दोस्तों, भारत सरकार ने नए नियम बना करके मर्चेंट नेवी में जॉब पाना बहुत आसान कर दिया है, लेकिन जो फ्रेशर्स मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं अभी भी उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और कन्फ्यूजन्स हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपके कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करता हूँ, जैसे कि CDC क्या चीज़ होती है, आपको ज़रूरत क्यों है, किसको CDC मिल सकती है, STCW कोर्स किसे कहते हैं, उसके लिए फ़ीस कितनी है, कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोर्स करने के बाद आपको CDC कैसे मिलेगी, और CDC पाने के बाद आपकी जहाज़ में रैंक कौन सी मिलेगी, और एक बार आपको रैंक मिल गई तो फिर प्रमोशन कैसे मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट आपके लिए बेटर है या फिर डेक डिपार्टमेंट आपके लिए बेटर है, और CDC मिल तो गई लेकिन उसके बाद हमको जॉब कैसे मिलेगी, इन सारे सवालों का जवाब मैं अपने इस वीडियो में देता हूँ। वैसे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें ऑलरेडी इन सारे क्वेश्चंस पर मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देखिए तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और बाकी इन सवालों का जवाब मैं एक एक करके आपको अब देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि CDC होती क्या चीज़ है। तो CDC एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए आपको मर्चेंट नेवी में जॉब मिलती है, एक ये सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास CDC नहीं है तो आप मर्चेंट नेवी में कोई भी जॉब नहीं कर सकते, छोटा हो या बड़ा हो, ऑफिसर कैटेगरी की हो या क्रू कैटेगरी की। तो सीधा सा मतलब है कि अगर आप जहाज़ में काम करना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास CDC होना ही चाहिए। ये CDC बहुत सारी कंट्रीज़ की होती है, लेकिन आप हमेशा इंडियन CDC ही लें, कभी भी पनामा CDC, बेलीज CDC या फिर दूसरे कंट्रीज़ की CDC के चक्कर में ना पड़ें, वरना वो आपके करियर के लिए घातक हो सकता है। फिर ये CDC किसको मिल सकती है, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, भारतीय नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर हैं और 10th पास हैं, तो आप कुछ कोर्स करके CDC अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंट ये कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए और भी कई बातें बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आपके पास अगर ये 3 कंडीशंस पूरी करते हैं तो आप एक कोर्स करके इंडियन CDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो CDC बनवाना बहुत मुश्किल था, लेकिन 2018 से इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नए रूल बनाए हैं जिसके ज़रिए आप केवल 5 कोर्सेज, जिनको कि STCW कोर्सेज बोलते हैं, ये कोर्स करने के बाद आप CDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको आसानी से 10,000 से 15,000 रुपये खर्च करके इंडियन CDC मिल जाएगी। एक बार CDC आपके हाथ में आ जाती है तो आप फिर शिप की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप मर्चेंट नेवी में जॉब पा सकते हैं। तो ये 5 STCW कोर्सेज की फ़ीस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से 12,000 रुपए है, इससे सस्ते में भी हो सकता है। आपको थोड़े इंस्टीट्यूट से मुंबई में, दिल्ली में, इन सब जगह पे इंस्टीट्यूट से पूछिए कि उनकी फ़ीस कितनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से 12,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा और आपके ये 5 STCW कोर्सेज उसमें हो जाएंगे। एक बार ये आप STCW कोर्स कर लेते हैं तो वही इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने STCW कोर्स किए हैं वो आपको इंडोस नंबर इशू करेगा, कुछ 1,000 रुपये उसकी फ़ीस आपसे ले लेगा। आपको एक बार इंडोस नंबर मिल जाता है तो फिर आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए STCW के और एक इंडोस नंबर, ये सब लेकर के आप CDC के लिए खुद बिना किसी की हेल्प के ऑनलाइन अपने आप को CDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन प्रोसेस का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख लें। और आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 दिन के अंदर आपकी CDC आपके पास आपके घर में आ जाएगी। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए क्योंकि अभी बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई कर दिया है और गवर्नमेंट में ऑफिसर्स तो वैसे भी कम रहते हैं, फिर भी एक बार आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो CDC आपके घर पहुंच जाएगी। इस बात को याद रखें कि CDC ऑनलाइन अप्लाई करने की टोटल फ़ीस 750 रुपये है, उससे ज़्यादा आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, 5 STCW कोर्सेज होने चाहिए, इंडोस नंबर होना चाहिए और DG शिपिंग अप्रूव्ड किसी डॉक्टर का मेडिकल होना चाहिए, जो भी आपका 300 से 400 रुपये में बन जाएगा। कौन कौन से डॉक्टर DG शिपिंग के अप्रूव्ड हैं, इसके लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने सारी लिस्ट दी हुई है। अब ये बात कि किस इंस्टीट्यूट से कोर्स करें, तो आप सीधी सी बात समझ लें, इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छा या बुरा नहीं है। आप DG शिपिंग की वेबसाइट में, जिसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जा करके इंस्टीट्यूट की लिस्ट डाउनलोड कर लें। आपके घर के पास कम पैसे में जो भी इंस्टीट्यूट ये कोर्सेज कराता हो आप वहाँ से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट से करते हैं, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आते ही आपको CDC मिल जाएगी। इतना करने के बाद आपको मर्चेंट नेवी में या शिप में जॉब मिल जाएगी। अब आप सवाल ये उठता है कि आपको किस रैंक में जॉब मिलेगी, तो देखिए आप कोई भी कोर्स करिए, चाहे आप GP रेटिंग का कोर्स करिए या STCW वाला कोर्सेज करिए और CDC लीजिए, आपको शिप में ट्रेनी की ही जॉब मिलेगी। कोई भी आपको उससे हायर रैंक नहीं देगा जब तक कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा। तो आप कुछ भी कोर्स करिए, आपको शिप पे, चाहे आप इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करें या डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, आपको ट्रेनी की ही जॉब मिलेगी।
तो अगर आप इंजन डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं तो आपको ट्रेनी वाइपर की रैंक मिलेगी, अगर आप डेक डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं तो आपको डेक ट्रेनी की जॉब मिलेगी। अब प्रमोशन का क्या होगा, तो प्रमोशन के लिए फिर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, चाहे आपने जो भी कोर्स किया हो, आपको एक धीमे धीमे कुछ सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद आपका प्रमोशन होता चला जाएगा। इंजन रूम में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ट्रेनी वाइपर से फिर वाइपर बनेंगे, वाइपर के बाद फिर ऑयलर बनेंगे। डेक डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप डेक ट्रेनी रहेंगे, डेक ट्रेनी के बाद आप ओएस, ओएस के बाद एबी और एबी के बाद आप फिर बोसन बन सकते हैं। मर्चेंट नेवी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन सी रैंक होती है, उनकी सैलरी कितनी होती है, इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखें। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो आपको सारी जानकारी इसमें मिलती चली जाएगी। अब सवाल उठता है कि डेक डिपार्टमेंट बेटर है या इंजन डिपार्टमेंट बेटर है, तो देखिए डिपार्टमेंट दोनों ही अच्छे हैं। डेक डिपार्टमेंट की खासियत यह है कि डेक डिपार्टमेंट में जॉब ज़्यादा है, वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा क्राउड रहता है तो जॉब की वैकेंसीज भी ज़्यादा निकलती रहती हैं और काम भी इंजन के मुकाबले थोड़ा ईजी जॉब है उन लोगों का। इंजन डिपार्टमेंट में काम थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि आपको मशीनरी में काम करना पड़ता है, तो आपको ऑयल, ग्रीस इन सब के बीच में काम करना पड़ता है, साथ में वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और नॉइज़ भी रहती है। लेकिन इंजन डिपार्टमेंट का फ़ायदा यह है कि आप वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी सीखते हैं जो कि ज़िंदगी भर आपके काम आती है। अगर आप जहाज़ के अलावा भी कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ और काम करना चाहते हैं मशीनरी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे तो अगर आपका मशीनरी में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इंजन रूम ज्वाइन करिए, अदरवाइज़ आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पर जॉब भी थोड़ा उतना टफ नहीं रहता है और साथ में नौकरियाँ भी वहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा, तो फिर अगर आपने सारे कोर्सेज कर लिए और CDC मिल गई तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। इसके लिए दोस्तों मैंने अपने चैनल में बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखें क्योंकि इस समय जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुंबई में सब जगह एजेंट इतने भर गए हैं और आपसे इतना इतना पैसा ले लेते हैं, 3-4 लाख रुपए आपसे डिमांड करते हैं और घटिया घटिया जहाज़ों में आपको भेज देते हैं जहां पर आपकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। इसलिए आप इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। आप छोटे जहाज़ों से जहाँ पर सैलरी कम हो लेकिन जॉब ज़्यादा हो वहाँ से आप शुरुआत करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें और छोटे जहाज़ों में अप्लाई करें, छोटी कंपनियों में अप्लाई करें, किसी एजेंट के हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आपकी थोड़ी सी सैलरी ज़रूर कम रहेगी लेकिन धीरे धीरे प्रमोशन पा करके आप बहुत अच्छी रैंक तक पहुँचेंगे और सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। एजेंटों के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े और कम से कम 2-3-4 लाख रुपए तो कभी ना दें। कोई 10-15-20 हज़ार थोड़ा बहुत मांगे तो दैट वो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा ना दें वरना उतना पैसा रिकवर करने में ही आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और उतनी सैलरी होती नहीं है मर्चेंट नेवी में फिलहाल क्रू की। तो आप अपने हिसाब से ट्राई करें। आपके लिए दो जरूरी टिप्स जरूर मैं दूंगा। सबसे पहली चीज़ कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स करें वो DG शिपिंग की वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर लें कि वो DG शिपिंग से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। जिस इंस्टीट्यूट को मान्यता प्राप्त ना हो उस इंस्टीट्यूट से कभी भी कोर्स ना करें, चाहे वो किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो, वरना आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, जॉब पाने के लिए एजेंट का सहारा बिल्कुल भी ना लें। कोई ज़रूरत नहीं है एजेंट के चक्कर में पड़ने की। आप कंपनीज में डायरेक्टली अप्लाई करें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन उससे जो आपको जॉब मिलेगी वो करियर आपका बिल्कुल ठीक चलेगा और ज़िंदगी भर फिर आपकी बढ़िया चलती रहेगी।